हमें पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों की यादें गुजरे कल की तरह आज भी ताज़ा हैं, जब गुर्बत और अफलास और बेआसरा लोगों का ये ख्याल था कि यहाँ अमन अमान होगा, खुशहाली होगी, रोजगार होगा और किसी का इस्तेहसाल ना होगा। लेकिन ऐसा हो ना सका और महंगाई और बेरोजगारी में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। आखिर ऐसा क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो कुदरती आफात या हमारे वो हुक्मरान जो हमसे मुखलिस ही नहीं? मैं हूँ सबा शेख और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू भी यही है। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। जिंदगी खुदा की दी हुई एक नेमत, मगर आज के दौर में गरीब आदमी के लिए ये रहमत सहमत बनती जा रही है। गरीब करे भी तो क्या करे, जिस शख्स को दो वक्त का खाना नसीब नहीं होगा, इसके लिए जिंदगी क्या रहमत होगी। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने मायूसी और ना उम्मीदी की आग को इस कदर बढ़ा दिया है कि खुद इंसान अपनी जान से छुटकारा हासिल करने पर तुला हुआ है। हुकूमत के नुमाइंदे और इनके दावे, फिर इनकी नाकाम पॉलिसियां अवामुन नास को फाकों और खुदकुशी करने पर मजबूर कर रही हैं। ये लोग जो रोजाना नहायत मशक्कत करके अपना खून पसीना एक करते हैं, वो भी एक मामूली उजरत के एवज इनको इनकी सख्त मेहनत के मसावी उजरत नहीं दे पाते, फिर इनकी जिंदगी को जीने की चाह क्यों होगी। हमारे मुल्क में बजट अदादो शुमार के अलावा कुछ नहीं, जिसमें गरीब अवाम को घुमा फिरा कर रख दिया है और अवाम उन्नास देखते ही रह जाते हैं। गरीब आदमी इतना मजबूर हो गया है कि इसके बच्चे भी काम करने पर मजबूर हैं। जिंदगी की रंगीनियों से दूर ये बच्चा वो कली है जो अभी पूरी तरह खिली भी न थी, इस बोझ की वजह से मुरझा चुकी है। 16 से 18 घंटे काम करने के बाद कुछ देर सस्ताने के लिए गरीब मजदूर जिंदगी का बोझ ढो ढोकर सोया तो हुआ है, लेकिन परेशानियां और फिक्र इसे सोने भी नहीं देती। पेट की आग बुझाने के लिए इनको अपनी मेहनत और मशक्कत भी कम पड़ती है। ये गरीब मजदूर फिर भी खामोशी से अपनी डगर पर चलते जा रहे हैं। मजदूर के मरने की जल्दी है कुछ इसलिए कि जिंदगी की कश्मकश में कफन ना महंगा हो जाए। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है, गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से लोग अपने बच्चे तक बेचने पर मजबूर हो गए हैं। आटा, चीनी, घी, फ्रूट, सब्जियां, अशियाए खुर्दोनोश और दीगर इस्तेमाल की अशिया बेइंतहा महंगी हो चुकी हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटियां सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे इनका कोई वजूद ही नहीं। कमिश्नर सिस्टम हमारा रिस्टोर हुआ है तो हम बहुत ज्यादा, कमिश्नर साहब ने हिदायत करी कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे कि जी उसके अंदर ये भी है कि हमें वो पावर मिली हुई है कि इनको जेल भी भेज सकें, सख्त से सख्त सजाएं दे सकें। जो प्रोविंशियल लॉ है उसके अंदर हम 30,000 तक फाइन कर सकते हैं और 6 महीने जेल भेज सकते हैं, लेकिन ये सजा किसी गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा है। मतलब एक दिन भी कोई जेल चला जाए तो बड़ी तकलीफ देह बात है। तो उसका हम ये करते हैं, हमारे मजिस्ट्रेट को पर्टिकुलरली मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में यह कहा हुआ है कि जो हमारे रेट्स, आपको पता है वेजिटेबल और फ्रूट्स की जो लिस्ट है वो डेली निकलती है और जो हमारी ग्रोसरी 15 दिन बाद ये कमिश्नर ऑफिस से निकलती है लिस्ट, तो उस लिस्ट के ऊपर हम बिकवाते हैं और लिस्टें सबके पास मौजूद होती हैं। जब मजिस्ट्रेट जाते हैं तो सब निकाल निकाल के रख लेते हैं, ये बात नहीं कि उनको नहीं मिलती हैं, तो रख लेते हैं, लेकिन उस रेट पे जब मजिस्ट्रेट खड़ा होता है तो उस रेट पे बेच रहे होते हैं। जो गवर्नमेंट के जैसे ही वहां से जाता है फिर महंगा बेचने लगते हैं। तो ये है नियतों की बात, जब तक वो अपनी नियतें सही ना करें। दूसरी बात, एक कंप्लेन ये मिलती है कि जी हमें ऊपर से महंगा मिल रहा है, ऊपर से हमें महंगा मिल रहा है। जी महंगा मिल रहा है तो आप उधर की कंप्लेन करें जहां से महंगा लेके आ रहा है। इनका सिलसिला ये होता है कि ये उधार पे लेके आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज आप उधार में लेंगे तो महंगी मिलेगी ना, तो ये तो फिर आम पब्लिक से आपको महंगी मिल रही, तो ये सार्फिन के खाते में ना डालें, तो हम उसके खिलाफ इसलिए एक्शन लेते हैं। और आप भी जब जाते हैं जनरल पब्लिक में, अगर लोग कहें कि ऊपर से महंगा मिल रहा है, तो आप बोले जहां से आप लेके आए उस दुकान, चाहे वो ग्रोसरी के वाले से मैं कह रहा हूं कि होलसेल मार्केट से अगर महंगा लेके आए, तो हमारे जैसे सदर के अंदर हमारी सदर अपना टाउन जो होता है सब डिवीजन, उसके अंदर हमारी होलसेल मार्केट है, वो आके बताएं कि इस दुकान से महंगा लेके आए, तो हम उस डीसी को भी, डीसी साउथ को भी, असिस्टेंट कमिश्नर सदर को भी, उसको भी कहेंगे कि उसको जाके चालान करें। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से हुकूमत का कहना यह है कि यहाँ अच्छी और सस्ती चीजें दस्तयाब हैं। इसके बरक्स हुकूमत के कायम करदा यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया ना होने के बराबर है, और अगर है भी तो सिर्फ चहेते और सियासी लोगों के लिए। यूटिलिटी स्टोर्स को एक बहुत बड़ी सब्सिडी दी जाती है, लेकिन आबादी की शरह काफी ज्यादा है और हम यूटिलिटी स्टोर्स को न सिर्फ तादाद में कम देख रहे हैं, बल्कि ये भी हमें ज्यादती नजर आती है कि वहां पर भी हम सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स और जो हम कहते हैं कि बगैर लेबलिंग के जो अशिया है वहां पर हम ज्यादा फरोख्त होते हुए देख रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स का कॉन्सेप्ट यह है कि अच्छी चीज एक मुनासिब कीमत में नजर आए, क्योंकि हुकूमत वहां पर सब्सिडी दे रही है, लेकिन अगर ऐसा ना
ना हो, चीजों की कीमतें तो कम हो लेकिन म्यार में भी कमी हो, तो यूटिलिटी स्टोर्स का वो फायदा हमें नजर नहीं आता। और यही शिकायत हमें बचत बाजार के हवाले से भी है कि कुछ चीजें तो बेहतर होती हैं लेकिन कई जगहों पर हमें नापतोल में कमी या चीजों के म्यार की शिकायत मिलती रहती है। ये नहीं होना चाहिए। बचत बाजार हो, यूटिलिटी स्टोर्स हो या ऐसी सारी स्कीम्स, उसका फायदा ये होना चाहिए कि छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में कंज्यूमर के नजदीक मार्केट्स अवेलेबल हो ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचे, और दूसरे ये कि शरह मुनाफा कम करके सारिफ को फैसिलिटेट किया जाए और टर्नओवर पर जो उनकी आमदनी उसमें इजाफा किया जाए। लेकिन हम दुकानदारों या स्टेक होल्डर्स का तो फायदा देखते हैं, सारिफ का फायदा उस हद तक हमें नजर नहीं आता, अवेयरनेस भी नहीं है। मतलब मैं अगर इसको फील करूं कि जी आदमी जखीरा अंदोजी कर रहा है तो जो जहां जाके मुझे कंप्लेंट करनी है वो तो पहले ही पैसे खाए बैठा है उससे, तो कह हाँ जी आ रहे हैं चलें आप, तो अब लोग मायूस होके बिल्कुल उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। जो हकूक की तंजीमें हैं, सार्फिन की तंजीमें दुनिया में होती हैं, वो गाइड करती हैं कि जनाब इस चीज़ का बाइकआउट कर दें, ये महंगा चीज़ है, अगर सब्जी के दस बढ़ा दिए और उस दिन कह दिया आज हम नहीं खरीदेंगे तो आधी कीमत पर मजबूर होंगे बेचने के लिए। तो ये हकूकी अवेयरनेस भी नहीं है, मगर उससे बड़ी खराबी है कि रूल ऑफ लॉ हमारे मुल्क में नहीं है। उनको पता है कि कोई कहने सुनने वाला नहीं है, अगर एक करप्शन कोई कर रहा है, कोई कीमतें बढ़ा रहा है, जखीरेंदोजी कर रहा है, तो उसका हिस्सा ऊपर तक है। लोग ये चीज़ें समझते हैं, बेवकूफ नहीं है। ये मसाइल है जिसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि गुड गवर्नेंस जो है इस्लाम में तो सजा और जजा है, दोजख और जन्नत है। हमारे यहां अकाउंटेबिलिटी का चूंकि सिस्टम नहीं है और जिन लोगों को ओहदे दिए जाते हैं वो करप्शन पे दिए जाते हैं, तो उनसे आप क्या तवक्को करेंगे? ये एग्रीकल्चर कंट्री है, इस एग्रीकल्चर कंट्री में सारिफ को क्या फायदा? और पूरी दुनिया में अब यह हो रहा है कि कमोडिटीज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाती है। आप आज देखें कि गोश्त महंगा है, गोश्त के लिए जो महंगा हुआ तो हमने कहा भाई इसकी वजूहत क्या है, हमने मीट मर्चेंट्स एसोसिएशन से लगातार मीटिंग की, उन्होंने ये बताया कि साहब गोश्त की स्मगलिंग हो रही है और जो है ये जानवरों की एक्सपोर्ट हो रही है, इसके ऊपर पाबंदी लगवाया, हमने मुतालबा किया और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने हुकूमती मीटिंग में ये तय किया गया कि जो जानवरों की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाएगी। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के अमली इकदाम से सार्फीन को रिलीफ हासिल हो सकता है और पाकिस्तान में तमाम, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे उससे मुतालिका ओगरा, नेपरा, पैमरा, जितनी भी अथॉरिटीज हैं जो सार्फिन के हकूक का तहफ्फुज करने के लिए बनाई गई हैं, वो अपना किरदार अदा करें, फिर उसके साथ मिनिस्ट्रीज। और फिर मैं मुतालबा करता हूं कि हमारे पास जो वजीर महकमा बैठे हुए हैं उनकी गाड़ी पर फ्लैग भी लगा हुआ है, उनकी वो अपनी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, तो उन्हीं में से कोई एक जो है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाई जाए, किसी एक को कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का वजीर बनाया जाए ताकि हम जो है वन विंडो ऑपरेशन पे उस मुतालिका जो वजीर से राबता कायम कर सकें और सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए उनके साथ मिलकर काम कर सकें। गरीब आदमी जो सारा दिन खून पसीना बहाकर 200 या 250 रुपए कमाता है, हुकूमत की किसी भी पॉलिसी से फायदा मंद नहीं हो सकता और वो बमुश्किल इन्हीं पैसों में अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाता रहता है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, तो आइए लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। स्टेट बैंक ने अगले दो माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, साथ साथ शरह सूद 12% बरकरार रखने का फैसला किया गया है और इसके साथ ये खदशा भी जाहिर किया है कि इसके बावजूद भी महंगाई का दबाव बरकरार रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से स्टेट बैंक के मरकजी बोर्ड का इजलास कराची में गवर्नर स्टेट बैंक यासीन अनवर की जेर सदारत हुआ। इजलास में मईशत को दरपेश मसाइल और खतरात पर तफसीली गौर के बाद इस बात का फैसला किया गया कि बुनियादी शरह सूद को 12% पर बरकरार रखा जाए। स्टेट बैंक के जारी करदा एलामिये में कहा गया है कि गुज़िश्ता दो माह के दौरान माशी खतरात बढ़े हैं, रवा साल अफरात ज़र की शरह तयशुदा हदफ 12% तक रहने की तवक्का है, तहम 2013 में ये शरह सिंगल डिजिट में आना गैर यकीनी है। मॉनेटरी पॉलिसी बयान में कहा गया है कि हुकूमती कर्जे और तवानाई की शदीद किल्लत पैदावारी अमल को बुरी तरह मुतासिर कर रही है, जिसकी वजह से GDP की शरह में इजाफे का मसला संगीन हो रहा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 2011 में कपास की बुलंद कीमत के बायस बरामदी वसूलियों में जो इजाफा हुआ था वो अब इंतहाई तेजी से कम हो रहा है। स्टेट बैंक के पॉलिसी बयान में कहा गया है कि यकुम जुलाई से 18 नवंबर तक हुकूमत ने बजट खसारा पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंकों से 255 अरब रुपए जबकि स्टेट बैंक से 62 अरब रुपए के कर्जे लिए। इस्तेमारी या साम्राज्य रियासतें हों,
या इस्तेसाली सोच के हामिल हुक्मरान। इनकी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि अक्लियत में होने के बावजूद भी अक्सरियत पर राज करें, जबकि खुद सरमायादाराना निजाम में जकड़े हुक्मरान अवाम को जमहूरियत के नाम पर इस्तेसाल करते रहे हैं। पाकिस्तान में जो महंगाई है उसकी बुनियादी वजूहात मैं आपको बता दूं, हुकूमतें फौजी हुकूमत हो, ये हुकूमत हो, कोई दूसरी हुकूमत हो, उनकी एक पॉलिसी है और वो पॉलिसी है कि आवाम पर बोझ डाल के मईशत को तरक्की दी जाए और जब वो तरक्की हासिल हो जाए तो उसका फायदा चंद लाख आदमियों को, एक छोटे से तबके को पहुंचा दिया जाए, वडेरा शाही कल्चर आप इसको कह लें। तो जब तक ये सोच और ये पॉलिसियां हैं तब तो महंगाई तो कम नहीं होगी, जब तक इसको बदलें ना आप। लेकिन पहली चीज ये, दूसरे ये कि करप्शन, इतना ज्यादा करप्शन है कि 1200 अरब रुपया साल करप्शन की नजर हो रहा है। तो ये जो नुकसान होता है ये आवाम को मुंतकिल होता है। टैक्सों की चोरी या जो टैक्सों को मराद दी गई हैं ये 1900 अरब रुपया सालाना, उससे कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है। फिर जो अमरीका की जंग हम लड़ रहे हैं और हुक्मरान अपने इख्तदार के लिए उस जंग को लड़ रहे हैं, उससे कोई 1500-1600 अरब रुपया साल का नुकसान हो रहा है। ये सारा आवाम को मुंतकिल हो रहा है और इसके एक हिस्से को पूरा करने के लिए, टैक्सों की चोरी को और करप्शन को, ये बिजली के नर्ख बढ़ा देते हैं, गैस के नर्ख बढ़ा देते हैं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा देते हैं और GST ऊंची शरह से लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम करप्शन पर काबू पाएं, एहतसाब का निज़ाम कायम करें, टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम कायम करें, पेट्रोलियम लेवी किस्म की चीज़ें ख़त्म कर दें और जो GST 16 है वो 16 इसलिए है कि टैक्सों की चोरी हो रही है, तो चंद लाख आदमी जो चोरी कर रहे हैं उसको हम 18 करोड़ आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। तो मैं तो आपको गारंटी कर सकता हूं दो बातें सिर्फ, कि 3 महीने में आपकी महंगाई कम हो जाएगी। एक तो ये कि GST जो है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा इसलिए है कि टैक्स की चोरी के नुकसान और करप्शन के, हम उसको 5% कर दें और पेट्रोल पर हर किस्म के टैक्सेस खत्म कर दें, सरचार्ज, पेट्रोलियम लेवी ये खत्म कर दें, तो हमारी जो अफराते जर है मेरे ख्याल 14% अगर है तो 5-6% पर आ जाएगा। पाकिस्तान में महंगाई की जिम्मेदारी हम सिर्फ और सिर्फ नाकिस पॉलिसीज को देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लॉज भी हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। फिर दूसरे, हम ह्यूमन रिसोर्स में इतनी ज्यादा इजाफा नहीं देख रहे हैं, आबादी मुल्क की बढ़ती जा रही है, उस हवाले से जितनी मैन पावर बढ़नी चाहिए, जितने डिपार्टमेंट्स को ज्यादा फाल होना चाहिए वो नहीं है, और चंद अफसरान के जिम्मे एक बड़ा शहर या एक बड़े जिले को कंट्रोल करना किसी तौर पर मुमकिन नहीं होता, तो हम बहुत संजीदा पॉलिसीज या इकदाम नहीं देख रहे हैं। असल में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट, ट्रेड बॉडीज और सिविल सोसाइटी, तीनों का रोल सामने आता है, लेकिन सिविल सोसाइटी उस वक्त तक अपना पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती जब तक उसे एक बेहतर मार्केट या बेहतर पॉलिसीज या वो इदारे नजर ना आए जहां तक वो अपनी शिकायत को पहुंचा सके। हुकूमती जिम्मेदार है, जारी बात है कि हुकूमती इसके प्राइस लिस्ट जो है वो निकाल रही है, सब कुछ कर रही है, महंगा बेच रहे हैं तो मजिस्ट्रेट भी हुकूमती के है ना, तो हुकूमत जो कर सकती है, मैं अपने प्रोविंशियल लेवल पे कह रहा हूँ और खासतौर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम चेक कर रहे हैं, सजाएं भी दे रहे हैं। अभी मैंने कहा है कि एक सिस्टम हमारा कमिश्नर सिस्टम इतने दिनों बाद स्टोर है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम उसको यही इस किस्म से नुकसान पहुंचाते हैं कि उसको वहीं खड़े होकर जब तक हमारे मजिस्ट्रेट होते हैं तो हम उसको गवर्नमेंट रेट पे बिकवाते हैं। जो मजिस्ट्रेट फाइन करते हैं, यानी उन्होंने किसी के ऊपर 5,000 किया, किसी के ऊपर 10,000 किया, फिर वो फिगरें अखबार में आती हैं कि जनाब 2 लाख रुपए फाइन कर दिया गया, 5 लाख रुपए टोटल फाइन किया गया आज की तारीख में, और रमजान शरीफ में भी एक ऐसा होता था। तो हमने उनसे ये कहा है कि ये एक बात हमारी कमिश्नर कराची तक पहुंचा दी जाए कि जो फाइन होता है उससे जो है कंज्यूमर फैसिलिटेशन सेंटर कायम किए जाए ताकि सारिफ जो है अपनी शिकायत हर जगह पे, हर टाउन में, यूसी में, किस सतह पर वो दाखिल कर सके, और इसके लिए फंडिंग की जरूरत है। अभी हमारा जो एसोसिएशन है वो कोई USAID से या किसी यूरोपियन कमीशन से या किसी गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं लेती, ये काम है हुकूमत का, और हमने हुकूमत को सजेशंस ये दिए हैं मीटिंग के अंदर, ये ऑन रिकॉर्ड भी है कि हाल ही में जो डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के साथ मेरी मीटिंग हुई है उसमें भी हमने ये तजवीज दी है, और उन्होंने हमसे वादा किया है कमिश्नर साहब से ये अप्रूव करा के जो इसकी फाइन कीमत में, अगर देखें ना कोई भी एक आदमी बाजार में जाता है और उसको जो है वो महंगी अशियां मिलती हैं, और अगर मजिस्ट्रेट को हम शिकायत करें, मजिस्ट्रेट को शिकायत करने के बाद उसको जो है वो उसकी शिकायत दर्ज कर दी जाती है या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, फाइन किया जाता है, तो उसके बाद जो है वो उसकी रकम गवर्नमेंट के खजाने में दाखिल हो जाती है, उससे सारिफ को कोई फायदा नहीं होता। तो सारिफ को फायदा इसी तरह हो सकता है कि जो फाइन की भी रकम है उससे जो है मुख्तलिफ जगहों पर कंज्यूमर फैसिलिटेशन सेंटर कायम किए जाने चाहिए ताकि सारिफिन को अपने इलाके में वो कंप्लेंट दर्ज करा सकें
और वहां पे जो है मुतालिका लोगों के साथ वो राबता हो और वहां पे फौरी तौर पर ऐसे लोगों के साथ एक्शन किया जा सके। हमारे यहाँ ये कि करप्शन होता है और जितने जो जितना आदमी करप्ट होता है वो ऊपर चला जाता है, तो एक एहतसाब का निज़ाम हो। अब देखिए रेलवे है, वो 100 अरब रुपए का नुकसान उसने चंद सालों में दिखा दिया, PIA ने 80-90 अरब का दिखा दिया, तो ये जो नुकसान हैं ये करप्शन की वजह से हो रहे हैं। प्रोग्राम क्या कहता है कि जी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि गोडाउन में दुकानों में खाने पीने की अशियां मौजूद हैं, लोगों के पास खरीदने की कुव्वत नहीं है। तो इसका मतलब ये कि आज जो महंगाई है ये हमारी हमने खुद अपनी हरकतों से पैदा की है। अल्लाह ताला ने हमें पूरे वसाइल दिए, हमारे जो अवाम हैं सनत का वो लोग हैं का हुनरमंद हैं प्रोफेशनल्स हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे से तबके ने पूरे उसको यरगमाल बना लिया है, होस्टेज बना लिया है। तो मैं तो यही समझता हूं कि इसको कम करने के लिए फौरी तौर पर यह होना चाहिए कि अवाम ये दबाव डालें, मीडिया ये दबाव डालें कि जनाब टैक्स की चोरी का बोझ आप GST करके 16% नहीं लगा सकते, पेट्रोल पर आप टैक्सेस नहीं बढ़ा सकते, बिजली की चोरी अगर हो रही है कुछ लोग बिल नहीं दे रहे तो आप बिजली के नर्ख बढ़ा दें, गैस के नर्ख बढ़ा दें, ये चीजें बंद होनी चाहिए। ये इस्तेहसाल, और हमें यह समझना होगा कि महंगाई का मतलब है जालिमाना टैक्स। और पाकिस्तान में हर एक आदमी को यह समझ लेना चाहिए कि जब आदमी को 7,000 रुपये तनख्वाह जिसको गरीब आदमी को मिल रही है और छोटा खानदान है तो उसके 3,500 रुपये तो खाने पीने में चले गए जबकि वो पेट भर के रोटी नहीं खा रहा। और यह भी मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यह कहता है कि 11 करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनको दो वक्त की रोटी मैसर नहीं है। तो वो अच्छा दूसरे ये कि उसको कैलोरीज पूरी नहीं मिल रही, पेट भर के खाना नहीं खा रहा, तो उससे उसकी सेहत खराब होती है। अब सेहत का जब हुकूमत ने जो अखराज सेहत के दिए वो काट दिए तो वो जिन अस्पताल में जाए या प्राइवेट अस्पताल में जाए सिविल में इलाज नहीं हो रहा तो वो फिर प्राइवेट इलाज कराता है। तो दो तरफ से गुर्बत को और महंगाई को हमने मारा है। तो ये एक दबाव डालना पड़ेगा हुकूमत को आवाम के ऊपर, और अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, महंगाई भी कम होगी, गुर्बत भी कम होगी, बेरोजगारी भी कम होगी और जुल्म इस्तेसाल भी कम होगा, बशर्ते कि हम अपने हक पहचाने जो कि नहीं पहचान रहे। शायद आपको मालूम भी ना होगा कि पाकिस्तान में औसतन हर शख्स $1 चाय पीकर, पान थूक कर, सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाकर और मोबाइल फोन पर बातें करके खर्च कर देता है। पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम अगर गुर्बत के मारे लोगों के लिए ये फजूल खर्ची करना छोड़ दें तो महाना $15 अरब से ज्यादा जर मुबादला बचाया जा सकता है। खैर यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। माशरे में मौशी अदम मसावात हो और मजहब को अमन व आश्ती के दर्स के बजाय फिरका वाराना तफरीक का अलहकार बनाया जाए तो माशरे में बिगाड़ ही पैदा होगा, और ये बिगाड़ मुल्क में संगीन सूरत अख्तियार कर गया है। अशियाए सर्व के लिए लोग जाने दे रहे हैं, 10-10 घंटे खड़े कतार में ज़ईफ और ख़वातीन की परेशानी के रिक्कत आमेज मनाज़िर देखने को मिलते हैं। बचत करें, किफ़ायत शारी, अपनी ज़िंदगी को सादा बनाएं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपने ही तौर तरीकों में तब्दीली लेकर आनी है। और जब हम अपने ऊपर सब्र करना और बर्दाश्त करना सीख लेंगे तभी हमें अपने लिए आवाज़ उठाने में आसानी होगी, और शायद तभी हम इस बात को समझ सकें कि किसी भी चीज़ को, चाहे वो महंगाई का ही सैलाब क्यों ना, उसको रोकने के लिए हमें पहला कदम खुद उठाना है। और हमें यह समझना चाहिए कि जिस तरह हम पूरे मुल्क में मुख्तलिफ कुदरती आफात जब आती हैं और उसके लिए हम बगैर किसी का इंतजार किए खुद खड़े होते हैं उसकी रोकथाम के लिए, तो महंगाई भी एक ऐसा ही तूफान, एक ऐसी आफत है कि इसके खात्मे के लिए हमें किसी की तरफ नहीं देखना है। सबसे पहले अपने आप को वॉलंटियर करना है। जब हम अपने आप को वॉलंटियर करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक सोसाइटी प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हुकूमत उस पर अपना टैक्स भी बढ़ा देती है, तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। यानी अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो टैक्स कम करना चाहिए। इन्होंने टैक्स लीटर के बजाय ये रखा है कि कीमत के ऊपर रखा है, तो अगर कीमतें बढ़ेंगी तो हुकूमत का टैक्स भी बढ़ेगा तो कीमत बढ़ जाएगी। ये तो बहुत ही एक जालिमाना चीज़ है। और पेट्रोलियम लेवी भी लगा दिया, GST भी लगा दिया। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ जब एक दफ़ा चीज़ें बढ़ जाती हैं तो फिर वो कम होने का नाम नहीं लेती, तो उसमें लोग एक तो ये था कि वहां कीमतें कम हुई मगर हमारे यहाँ रुपये की कदर गिर गई,
ہمارے انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا یا حکومت نے ٹیکسز بڑھا دیے، کبھی منی بجٹ آ گیا، پھر وہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے لوگ جو ہیں جو وہ فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے کیونکہ قیمتیں بڑھ گئیں، تو اس کی وجہ سے یہاں پر یہ اور ان افیکٹو ہے. لوکل سسٹم کوئی نہیں ہے، تنظیمیں نہیں ہیں جو اس پر پروٹیسٹ کر سکیں، تو وہ قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو زیادہ بڑھاتے ہیں، جب کم ہوتی ہیں تو عوام کو نہیں فائدہ پہنچاتے. لوگ مسلسل فاقہ کشی پر مجبور ہیں، جن بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے ان کے ہاتھوں میں کشکول ہے. غربت و افلاس کوئی آسمانی بلا یا وبائی مرض نہیں، بلکہ یہ بیماری انسان کی خود پیدا کرتا ہے. ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کا طوفان تھمنے میں نہیں آ رہا. لوڈ شیڈنگ، اشیاء خرد و نوش کا بحران، ضرورت زندگی کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، لوٹ مار اور کرپشن 63 برسوں سے اپنے خون پر پنجے پھیلائے ہوئے ہیں. ملکی بھاگ دوڑ جس حکمران نے بھی سنبھالی، ان سب نے عوامی مسائل کے لیے کچھ بھی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے اور نہ ہی مستقبل میں کرتے نظر آ رہے ہیں. اس دور میں جہاں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں غربت بڑھ رہی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت کی سطح 28% ہے، جبکہ 24% باشندے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے رہائش، تعلیم اور صحت کی سہولیات تو دور کی بات، دو وقت کی روٹی کا انتظام کرنا بھی سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے. ایک زاویے سے دیکھا جائے تو ملک میں پھیلی ہوئی بد نظمی اور ابتر حالات کے ذمہ دار ہم عوام ہیں، جو اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچتے کہ ہم کس کے ہاتھوں میں اپنا مستقبل سونپنے جا رہے ہیں. منتخب ہو کر یہی کرپٹ نمائندے غریب عوام کا خون چوس کر اپنے بینک بیلنس میں سینکڑوں گنا اضافہ کر کے ملک سے فرار ہو جاتے ہیں، جبکہ عوام کے مسائل وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. مہنگائی کا جن جو سر چڑھ کر بول رہا ہے اور حکومت اس کو قابو کرنے میں ناکام نظر آتی ہے، آئیے دکھاتے ہیں آپ کو کہ مہنگائی سے متاثرہ عوام کا کیا کہنا ہے تصویر کے اصل رخ میں. بہت زیادہ مہنگائی ہے، ہر چیز مہنگائی ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی یہ انجیر میں نے مانگی، یہ 120 روپے پاؤ شاید چھٹانگ، اس کے حساب سے آپ بہت ساری چیزیں دیکھ لیں. روز مرہ کی کھانے پینے کی چیزیں ہو گئی یا استعمال کی جو چیزیں ہیں، غریب بندے کے بس کی تو بات نہیں ہے، جیسے کہ پیٹرول ہو گیا وغیرہ وغیرہ، مطلب بہت ہی زیادہ. سر مہنگائی کا حل یہی ہے نا، کرپشن ہے سر. آپ دیکھیں ریلوے ڈوب رہا ہے، پی آئی اے ڈوب رہا ہے، یہ کوئی معاہدہ نہیں، جو معاہدہ کر رہے ہیں یہ کسی کو دے نہیں رہے، ان میں کرپشن ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ ڈوبا ہے ریلوے، پی آئی اے. ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے سامنے آئیں گی جب تک یہ گورنمنٹ رہے گی. بہت زیادہ مہنگائی ہے، مہنگائی کی اب جس چیز کو دیکھو بندے کے 10 سے اوپر ہے. کیا کرے مزدور آدمی، غریب آدمی کیا کہاں تک جا سکتا ہے؟ کوئی بھی یعنی اگر ایک دیہڑی بیٹھ جائے فاقے آ جاتے ہیں، کیا کرے بندہ غریب، اتنی غربت میں بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جہاں بھی دیکھو مہنگائی، اب منی بس پہ بیٹھو جہاں 1 کلومیٹر کا سفر کو 20 روپے لے لیتے ہیں، کہیں بھی جاؤ بھائی ایسا ہی ہے. پیٹرول پہ 26 سے 28 روپے یہ ٹیکس لے رہے، باقی دوسرے کنٹری میں نہیں لیا جاتا. اب انڈیا دیکھ لے، انڈیا نے پرسوں اناؤنس کیا ہے کہ 65% لوگوں کو 3 روپے کلو آٹا، 2 روپے کلو گندم اور 1 روپے کلو چینی ملے گا انڈیا میں 65% لوگوں کو. اور آپ ہمارے ملک کا حال دیکھ لیں، اس کو بھی چھوڑے آپ 40 سال پہلے بنگلہ دیش بنا ہے، بنگلہ دیش ہم سے آگے جا رہا ہے. بنگلہ 40 سال پہلے بنا اور بنگلہ دیش کی کرنسی ہم سے آگے جا رہی ہے. بنگلہ دیش کا سود جو ہے سر وہ 23 ارب روپے اور ہمارا سود 61 ارب روپے. یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو، لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز ہو. اب ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کی انکم اتنی ہے نہیں، اور ویئر ایز ایکسپینسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں دن بہ دن، جس کی وجہ سے کیا ہے آپ کا عوام کی نہ بائنگ پاور ہے، نہ پیسے رول ہوتے ہیں، روٹیڈ ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر، تو وہ ایک بلاک ہو جاتا ہے، لوگ جو ہے پرابلم میں، پریشانی میں. مہنگائی تو چل رہا ہے، مگر کسی چیز کو لینے کی جو ہے نا مسئلہ جو ہے نا برابر نہیں ہو رہا ہے، خالی چکرے لگا رہا ہے، لے نہیں سکتے کوئی چیز. مہنگائی تو اتنی ہے کہ بھائی نہ قرضے سے فارغ ہو رہا ہے اور نہ جو ہے نا گھر کے اخراجات پورے ہو رہا ہے، صرف وہ دنیا داری یہ چلا رہا ہے بس. غریبوں کو ادھر جو 100 میں شرٹ ملتی ہے وہ 200 میں مل رہی ہے، بڑو تنگ ہیں غریب آدمی جو ہے نا، بڑو تنگ ہو رہے ہیں ادھر بازار میں، یا کوئی جو بھی تکلیف ہے نا غریبوں کو ہے. امیر تو اپنے کام کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ہمارے کو بڑی تکلیف ہے ادھر. چاہے 15 روپیہ دیتے تھے، آج 20 روپے چل رہی ہے. سی این جی کا ایک پرابلم آئے، گاڑیاں نہیں مل رہی ہیں، کرایہ مہنگا ہو گیا ہے، 40 کی جائے اوپر اب 70 لیتے ہیں، 120 میں آئے ہیں کینٹ کے صدر، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے یار. یہ لوگ جو ہیں بیچاروں کی بڑی مدد کرتے ہیں لوگ، اور غریبوں کا آسرا یہ ہے کہ یہاں سے خرید لیتے ہیں، سردی سے بچت جاتی ہے، اور اگر مارکیٹ میں جائیں تو بہت مہنگا ہے. تو یہاں یہ کہ چلو جیسا بھی ہے
काम चल जाता है, अच्छा हो जाता है काम इनका। कोर्ट सस्ता करने से क्या फायदा है, सस्ता तो चीनी घी आटा चाहिए सस्ता करे, जो असली जरूरत की चीज है ये तो तुम ये खरीदेगा दो साल इस पे गुजारेगा, लेकिन चीनी और आटा वगैरह घी तो हमेशा लेने का चीज है। जो चीज सस्ती, देखो जो चीज अच्छी सस्ती मिल जाए उसका शुक्र करो, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा अच्छा हो जाएगा। अच्छा कौन सा अच्छा हो जाएगा? अरे भाईजान ये तो 30 साल हो गए ये मुसीबतें झेलते आ रहे हैं, जिया आया फिर परवेज साहब आए और हमें क्या दिया, महंगाई क्या, महंगाई जाने का कोई नाम नहीं लेगा जब हमारे मुल्क के ये हरामखोर लीडर होंगे जो खुद ही पैसा डटोरते होंगे, वो क्या वो हमको देंगे, अवाम बिचारी तो पिसती रही जुल्म के चक्की में। ये लोग अपने पैसे जोड़ रहे और बाहर मुल्क में जमा कर रहे हैं, आज देखो हमारा मुल्क हर तीसरे दिन बाहर मुल्क भागता है, किसके खर्चे पे, ये अवाम के खून पसीने के पैसों पे जाता है। अगर ये इसके आने जाने का, और साथ में वो लेके जाता है 20 आदमियों को, जो कि 2 आदमियों का जरूरत होता है 40 आदमी को लेके जाता है, ये क्यों, ये खर्चा किसके ऊपर है, अवाम के ऊपर है। और अवाम हमेशा रो रही है, चीख रही है, रोडों पे निकल रही है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। हमारे बड़े जो है ना सब अंधे और लुल्ले हैं या बहरे हैं। हुकूमत जो है ना वो इस तरफ गरीबों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, सारा मतलब जोर जो है ना अमीरों पे, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी जो है ना वो यही सोच रहे कि शाम को क्या लेके जाएगा घर। हमारे बड़े जो है मुल्क के सब गदार है, कोई भी अपने मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे, ना आवाम के बारे में सोच रहे, हर कोई अपने लिए सोच रहे। आवाम जो है ना ये सो चुकी है, ये सारे तफरकों में बढ़ चुके हैं, नस्ल परस्ती के अंदर, मजहब परस्ती के अंदर, कौम परस्ती के अंदर, ये एक पाकिस्तानी होने का इनमें जज्बा ही नहीं है। पहले भी ये कौम थी, जब अयूब खान के दौर में चीनी महंगी हुई थी तो सब रोटों पे आ गए थे, अब जब तक कोई पार्टी सिंगल कॉल नहीं देती तो दूसरी पार्टी उसे मारने के लिए आ जाती है। जब तक ये सिस्टम खत्म नहीं होंगे ये इधर महंगाई रहेगी और महंगाई बढ़ेगी। हमारे कहने से तो कुछ होता नहीं है, रोजाना टीवी में आता है, लोग चोर मचाते मार धाड़ करते, तो कुछ होता तो नहीं है, ये बात है। घर का बजट बहुत मुश्किल चलता है, कुछ साहब ही नहीं है, कैसे चलता है, मुश्किल से सारे काम होते हैं। पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए, फिर सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी ऑटोमेटिक। उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक जरदारी साहब यहाँ पर हैं। ये मुल्क में चेंजिंग जब तक नहीं आई है हमारे मुल्क में, उस वक्त तक जो है महंगाई कम नहीं सकती। जिस तरह चाइना वगैरह में मखसूस किए जाते हैं ना रेट 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, के 10 साल मखसूस हो जाते हैं रेट, लेकिन यहाँ पर वो निज़ाम नहीं है। आए दिन जो है ना किसी न किसी चीज़ के जो है ना रेट बढ़े होते हैं, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर किसी चीज़ की। जिसका जो चीज़ में आता करता है अपने मन से जो है ना बेचता चीज़, यहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं किसी चीज़ की जो है ना, बस जो चीज़ में आ रहा बेच रहा है, खा रहा है, जो कुछ भी है, बस यहाँ पर सिस्टम है। जिए कैसे, जीने मुश्किल हो गए लोगों के, इतना महंगाई है, आम लोगों को तो बिल्कुल बस से बाहर है। आइए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमती अहदेदारों का ये दावा खुश आइंद है कि जमहूरियत को डीडील नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम के लिए सिस्टम कोई भी हो, हुकूमत किसी भी जमात से हो, उनको गर्ज है तो सिर्फ इस बात से कि उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। पाकिस्तान में जो महंगाई है वो खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है कि लगातार 5 बरसों से अफरात ज़र यानी महंगाई डबल डिजिट से 2 हिस्से में है, और चूंकि खित्ते के मुल्कों में के मुकाबले में ज्यादा है, इसका मतलब यह खराबी खुद पाकिस्तान के अंदर है। तो इस वक्त मैं जिनको समझता हूं जिम्मेदार हैं, सबसे पहले हुकूमत, उसके बाद स्टेट बैंक, उसके बाद जो है वो तजारती बैंक जो है हमारे, उसके बाद सनतकार और ताजिर जो कि अपना मुनाफा ज्यादा रखते हैं, जखीरांदोजी करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, स्मगलर्स स्मगलिंग करते हैं, उसके बाद सिविल सोसाइटी जो अवाम के हकूक के लिए बात नहीं करते, और खुद अवाम जब उनके साथ जुल्म होता है और कीमतें बढ़ा दी जाती हैं टैक्सों की शक्ल में या जखीरांदोजी करके, तो खामोशी से अपने घर में बीवी बच्चों को मारते हैं, अपना पेट काटते हैं, मगर ये एहतजाज पुरअमन नहीं करते और हुकूमत पर दबाव नहीं डालते। तो सब ये जिम्मेदार हैं, कुछ जो जुल्म कर रहे हैं, दूसरे वो जो जुल्म सह रहे हैं,
तीसरे वो जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल महंगाई खत्म हो सकती है, उसी तरह जिस तरह किसी भी मसले के हल की जरूरत होती है, तो महंगाई का जो हल है वो है बेहतर ट्रेड पॉलिसीज, कार्टलाइजेशन का खात्मा, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना और अकाउंटेबिलिटी। जब ये सारी चीजें होंगी तो ऑटोमेटिकली हम महंगाई में कमी देख सकते हैं। हम तो चेकिंग ही करते हैं ना, बात यह है कि लिस्टें वहां लगी हुई हैं। बहुत से ये होते हैं कि वहां के जो दुकानदार हजरात हैं वो लिस्टें छुपा लेते हैं, जब हमारे मजिस्ट्रेट जाते हैं तो वो एकदम लिस्ट लगा लेते हैं। तो हुकूमत ये कर रही है कि हमारी मेन जो जिम्मेदारी है कि एक तो गवर्नमेंट रेट्स पे को आना और लिस्ट वहां मौजूद हो। दूसरा, मैं बार बार आपसे जो कह रहा हूं कि सार्फिन को भी पता होना चाहिए कि अगर कोई लिस्ट नहीं लगाया हुआ है तो उसकी शिकायत करें। खासतौर जो बचत बाजार है उसके अंदर तो एक कंप्लेंट सेंटर बना हुआ होता है, वहां इंस्पेक्टर्स भी बैठे होते हैं, मेरे मजिस्ट्रेट भी जाके उसका विजिट करते हैं, तो वहां एक रजिस्टर भी रखा हुआ होता है, तो सार्फिन आके अपना फोन नंबर लिखें। अच्छा, इस सिलसिले में मेरा भी एक कंट्रोल रूम है, मेरा कंट्रोल अपना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, और वो हमारा 24 आवर्स खुला है। ऐसी कोई कंप्लेन होती है तो उसमें भी वो कंप्लेन करें और वो बताएं कि जी इधर महंगा बेच रहे हैं, तो हम उसके खिलाफ जरूर एक्शन लें। सिंध के अंदर अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हमें ये बताया गया कि जनाब ये जो बजट आया था पिछले साल, इस साल उसमें कहा गया था कि कंज्यूमर कोर्ट्स कायम करने के लिए पैसे रख दिए गए, मुख्तस कर दिए गए, मगर अभी तक जो है कंज्यूमर कोर्ट्स नहीं कायम हुई। हमने इस सिलसिले में गवर्नर साहब को और वजीर आला सिंध को और मुतालिका जो मिनिस्टर है लॉ मिनिस्टर उनसे भी रिक्वेस्ट की हुई है, और हमें यही दिलासा दिया जाता है कि या जल्द अज जल्द जो है कंज्यूमर कोर्ट्स बनेंगी, और उसके साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो असेंबली से पास होना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बहुत जरूरी है, और उसको मैं समझता हूं तरजीह बुनियाद पे हल करना चाहिए, ताकि क्योंकि गवर्नर भी कंज्यूमर है और वजीर आला भी कंज्यूमर है, वो भी चीजें खरीदते हैं और उनकी फैमिली भी खरीदती है, और स्पीकर्स भी हमारे नेशनल असेंबली में जो हमारे नुमाइंदे या सूबाई असेंबली में बैठे हुए हैं वो भी उसके कंज्यूमर है। तो इनका ये काम है और उनका ये फर्ज है कि तरजीह बुनियाद पे जो है सिंध में सूबे सिंध में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को नाफिज कराएं, और पंजाब की तरह जो है वो कंज्यूमर जो कोर्ट्स हैं वो यहां पे कायम हो। इसे हमने पूरे पाकिस्तान में, मैं आपको बताता चलूं कि कंज्यूमर एसोसिएशन के तहत रीजनल दफातर कायम है। पंजाब में हमारा रीजनल ऑफिस जो है वो बेहतरीन काम कर रहा है, उसी की वजह से पंजाब में सार्फिन को बहुत रिलीफ हासिल हो रहा है। वहां पे जोनल ऑफिस हमारे कायम है मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं, और इसी तरह हम अब यहां पे सिंध में भी हमारे रीजनल ऑफिस है। इस तरह हम अब बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में वहां पे भी जो है रीजनल ऑफिस कायम कर रहे हैं, ताकि जो लोग हैं वॉलंटरी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा एक अजम के साथ जिस तरह हमारा मिशन आगे बढ़ रहा है तो यकीन सार्फिन को रिलीफ हासिल होगा। तरक्की पजीर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी गुर्बत सियासी और इंतजामी नाकामियों की पैदावार है। पाकिस्तान कुदरती और मदनी वसाइल से मालामाल है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो खुद कशकोल लेकर दूसरे ममालिक के मोहताज बन गए हैं और आवाम को भी इसका आदी बना रहे हैं, जिसकी वजह से गुर्बत और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। अब वक्त है बेदारी का और जद्दोजहद की जरूरत है, ताकि सलामत रहे पाकिस्तान। अपनी होस्ट सबा शेख को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।